नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं आपके दिमाग में मजदूर गरीब किसान को लेकर अगर थोड़ा भी कुछ ख्याल आता है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी बातें आती है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की भारत में रेलवे दोस्तों पिछले 175 सालों से चल रहा है इस 175 सालों के दौरान रेलवे को किसी भी सरकार ने प्राइवेट करने का काम नहीं किया दोस्तों भारतीय जनता पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी है जो कि रेलवे को निजी हाथों में सौंपने जा रही है दोस्तों भारत में रेलवे एक ऐसा साधन है जो कि भारत के कोने कोने तक जुड़ा हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि एक रेलवे जो है भारत का हार्ट है रेलवे से दोस्तों हम जो है कहीं भी सस्ते में सफ़र कर सकते हैं भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं पर रेलवे को भी प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रही है सरकार दोस्तों रेलवे भारत का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग गवर्नमेंट और परमानेंट जॉब करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट होती है दोस्तों अगर ऑफिशियल डेटा की बात की जाए तो साढ़े बारह लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि हमारे देश में रेलवे में परमानेंट जॉब करते हैं इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं जो कि इनडायरेक्टली तौर पे आते हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे में काफ़ी सारे लोग पानी बेचने का काम करते हैं फूट्स बेचने का काम करते हैं फ्रूट्स बेचने का काम करते हैं और भी दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो हैं रेलवे के साधन से जुड़े हुए हैं दोस्तों अगर रेलवे की बात की जाए तो भारत में सिक्सटी सेवन थाउजेंड किलोमीटर से ज़्यादा जो है हमारे देश में फैला हुआ है दोस्तों रेलवे जो है पिछले एक सालों से चल रहा है कई सरकारें आई कई सरकारें गई दोस्तों पर किसी ने भी रेलवे को जो है प्राइवेट करने का काम नहीं किया 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुन के सत्ता में आई तो दोस्तों जनता को इससे बहुत सारी उम्मीदें थी जैसे कि हमारे देश में करप्शन कम होगा जॉब जनरेट होगी गंगा सफाई होगी इसके अलावा स्मार्ट सिटी बनेगी और भी बहुत सारे लोगों के एस्पेक्ट थे पर दोस्तों ये सारे काम ना करके भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो हमारे देश की संपत्ति है जो पिछले साठ सालों में बनाई गई थी उसको बेचने का काम किया वो चाहे वो रेलवे हो इसके अलावा बीपीसीएल हो एयर इंडिया हो कोल इंडिया हो और भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको लगातार जो है सरकार डिस इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रही है दोस्तों अब जो हाथ है वो रेलवे की तरफ बढ़ाया गया है रेलवे में अगर पैसेंजर की बात करें तो दोस्तों दो करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि रेलवे में डेली सफ़र करते हैं रेलवे का रेवेन्यू जो है लगभग एक लाख सन्तानवे हज़ार दो सौ चौदह करोड़ रुपए है इसके अलावा जो है नेट इनकम रेलवे की बात की जाए तो छः हज़ार चौदह करोड़ रहा है 2018-19 अगर एम्प्लॉय की बात की जाए तो भारत में साढ़े बारह लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि रेलवे में डायरेक्ट तौर पे परमानेंट जॉब करते हैं दोस्तों रेलवे भारत में सिक्सटी सेवन थाउजेंड किलोमीटर से ज़्यादा फैला हुआ है जो कि दुनिया में चौथे नंबर पे माना जाता है भारत में लगभग तेरह हजार से ज़्यादा ट्रेनें हैं इसके अलावा जो है लगभग सात हज़ार से ज़्यादा रेलवे स्टेशन हैं दोस्तों रेलवे स्टेशन को भी जो है लगातार सरकार प्राइवेट हाथों में सौंपने का काम कर रही है दोस्तों रेलवे भारत की एक ऐसी संपत्ति है जिसमें आप थोड़े से पैसे में कहीं भी सफ़र कर सकते हैं जिसमें सबसे कम जो है पैसा लगता है आपका दोस्तों इसको भी जो है सरकार अब प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रही है दोस्तों ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है जिसमें बताया गया है कि दो तक भारत की लगभग एक ट्रेन ऐसी होगी जिनको निजी कंपनियाँ चलाएगी जो कि प्राइवेट हाथों में होगी दोस्तों आपको बता दें कि 2019 में दो ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में सौंपा गया था पहली ट्रेन थी तेजस एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन थी दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस दोस्तों रेलवे के प्राइवेटाइजेशन होने से अगर आप नुकसान को देखना चाहते हैं तो एक बार वंदे भारत एक्सप्रेस का किराए को चेक कर सकते हैं दोस्तों नेट पे जाके जो है आप किराया चेक कर लीजिए आपको जो है एक छोटा सा डेटा दे देते हैं मान लीजिए कि एक ट्रेन में हंड्रेड सीटें हैं और एक सीट की कीमत लगभग एक हज़ार रुपये है दोस्तों अगर उसी सीट में दस परसेंट सीटें बुक हो जाती है बाकी नब्बे परसेंट अभी खाली है सीटें दोस्तों अगर आप 90% परसेंट सीटों में बुकिंग करना चालू करेंगे तो 10% परसेंट सीटों के बाद जो है उसका किराया डबल होते जाएगा यानी कि जो सीटें आपको एक हज़ार रुपये में सफ़र करने को मिल रही थी उसकी कीमत लगभग ग्यारह हज़ार और उससे ज़्यादा भी जा सकती है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक बार नेट में सर्च करके कि आखिर प्राइवेट होने से हमारे देश को या हमारे गरीब किसान मज़दूर को इससे क्या नुकसान हो सकता है दोस्तों आपको एक डेटा दे दे कि किस प्रकार से रेलवे में जॉब को कम किया जा रहा है दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये एक रेलवे क्रॉसिंग है रेलवे क्रॉसिंग को दोस्तों हटा के जो है किस प्रकार से अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है इस रेलवे क्रॉसिंग में दोस्तों लगभग बीस लोग डेली काम करते थे इसमें जो है तीन शिफ्ट में काम होता था दोस्तों इसमें जो है लगभग 20 लोग काम करते थे इस 20 लोगों की जॉब को एक बार में ख़त्म कर दिया गया दोस्तों अंडर ब्रिज बना के दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में सात हज़ार से ज़्यादा रेलवे स्टेशन है और इस प्रकार के जो अंडर ब्रिज हैं आपने हर जगह देखे होंगे कि अब जो है लगातार रेलवे इस प्रकार के अंडर ब्रिज बना रही है इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो जॉब है उसको ख़त्म किया जा रहा है दोस्तों दुनिया में दो ही ऐसे देश हैं जिन्होंने रेलवे को प्राइवेटाइजेशन का काम किया उसमें से सिर्फ एक ही देश सक्सेसफुल हुआ है दोस्तों उनका नाम है पहला ब्रिटेन दूसरा जो है अपना जापान जिनमें से जापान में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन पूरी तरीके से सफल रहा है और ब्रिटेन में अभी ये बात चल रही है कि या तो रेलवे को सेमी गवर्नमेंट कर दिया जाए या गवर्नमेंट के अंडर ले लिया जाए दोस्तों भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जहाँ पर रेलवे प्राइवेट हाथों में है दोस्तों आइए आप जानते हैं कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन होने से हमारे गरीब मजदूर किसान भाइयों को किस प्रकार का नुकसान झेलना पड़ेगा हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सारे प्रवासी मजदूर रहते हैं जो कि अपना एक राज्य से कई राज्यों में जा जॉब करते हैं और वापस घर आते हैं दोस्तों इनके आने जाने पे जो है बहुत सारा किराया लगेगा इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे भारत में बड़े रेलवे स्टेशन हैं उसके आसपास में छोटे रेलवे स्टेशन होते हैं जहाँ से अपना गरीब किसान मजदूर जो है जाके काम करते हैं अपनी सब्जियों को बेचते हैं और अपना जो है दूध बेचते हैं और भी बहुत सारा काम जो है वो लोग करते हैं दोस्तों उनके आने जाने पे जो है ये किराया बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका हाल ठीक उसी प्रकार से हो सकता है जिस प्रकार से जो है हम आज देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों का हाल है जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों का जो फीस है वो लगातार बढ़ते जा रही है और गवर्नमेंट स्कूल जो है हमारे देश में बंद होते जा रहे हैं तो दोस्तों आप इन बातों को लेकर क्या सोचते हैं क्या आपके हिसाब से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले थैंक यू